नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स। साथियों, ये बहुत कॉमन टॉपिक है और अब अपने आम जीवन में भी इसका उपयोग होता है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंदर है, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिफाई द पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स विद चार्ट और एग्जाम्पल। तो आज ये देखेंगे। उसके अलावा पॉइजनस स्नैक्स जो होते हैं उसमें पॉइजनस अपैरेटस पाया जाता है, पॉइजनस ग्लैंड्स पाई जाती है, और स्नैक विनम या पॉइजन कितने प्रकार का होता है ये देखेंगे। तो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स। साथियों, जैसे सांप का आते ही ध्यान अपने दिमाग में एक ही चीज आती है कि सांप अपने लिए खतरनाक होता है, हानिकारक होता है और इससे जान जा सकती है। जबकि बहुत सारे सांप जबकि सारे सांप जो होते हैं, वो अधिकांश सांप जो होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं। इसीलिए साइंस के स्टूडेंट होने के नाते अपने को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन से सांप पॉइजनस हो सकता है, कौन सा नहीं होता है, और अगर होता है तो अपने को क्या बचाव करनी चाहिए, किस प्रकार के आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। उसके अलावा सांप के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। सबसे ज्यादा अगर मिसकंसेप्शन है तो सांपों के लिए है कि सांपों के बहुत सारे सिर वाला सांप होता है, या सांप उड़ते हैं, या सांप दूध पीते हैं। तो ये सारे मिसकंसेप्शन होते हैं। आज अपन देखेंगे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स के बारे में। जो पॉइजनस स्नैक्स होते हैं वो उसके काटने पर व्यक्ति की डेथ हो सकती है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिले तो। लेकिन अधिकांश स्नैक नॉन पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस स्नैक्स में भारत में ये पाए जाते हैं, कोबरा है, करेट है, वाइपर है, पिट प्लेस वाइपर और पिट वाइपर, रेटल स्नैक्स जो है रेगिस्तान में पाया जाता है, रसल्स वाइपर, कोरल स्नैक्स समुद्र में पाए जाते हैं, और सी स्नैक्स होते हैं हाइड्रोफिश, ये पॉइजनस होते हैं। जबकि नॉन पॉइजनस स्नैक्स में अपन कॉमन जो है अजगर या पाइथन, रेटल रेड स्नैक्स जो होता है तामन जिसको बोलते हैं, अर्थ स्नैक या सैंड बोआ जो है, और ब्लाइंड स्नैक्स जो होते हैं ये नॉन पॉइजनस होते हैं। पहली बात ये स्नैक काटते क्यों है, बहुत छोटी सी चीज है। साथियों, स्नैक्स जो होते हैं वो अपने डिफेंड खुद की रक्षा के लिए काटते हैं। वो कभी भी स्नैक्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनको अकेला छोड़ दिया जाए, उनको छेड़ा नहीं जाए, और जैसे ही वो पीपुल को देखते हैं, मनुष्य को देखते हैं, उनसे बचने के लिए आदमी को काटते हैं। वो कभी भी पीछा करके नहीं काटते हैं कि वो आदमी है तो उसको जाके काट लें, वो अपने आप बचाव के लिए काटते हैं, ये इनकी डिफेंस मैकेनिज्म है। तो इस प्रकार जैसे ही वो अपने आप को अनफील सेफ करेंगे वो काटना शुरू कर देते हैं। नॉन पॉइजनस स्नैक्स के काटने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है, व्यक्ति मृत्यु नहीं होती, लेकिन भय के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, और पॉइजनस स्नैक्स से फैटल होते हैं, इनसे व्यक्ति की जान जा सकती है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिले तो। तो अपन कैसे करेंगे कि कौन सा सांप पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। साथियों, जब भी कोई पॉइजनस स्नैक्स होता है वो काटता है तो उसके यहाँ पर दो गहरे निशान पड़ जाते हैं, निशान बन जाते हैं जो फेंज के होते हैं। जबकि अगर नॉन पॉइजनस स्नैक ने काटा है तो निशान बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे दांतों के, दो बड़े निशान नहीं होते हैं। तो काटने के बाद तो अपन पता लगा सकते हैं कि इसको पॉइजनस स्नैक ने काटा है नॉन पॉइजनस, लेकिन अपने को ये चार्ट बताना है काटने से पहले का एग्जाम के हिसाब से कि किस प्रकार आप आइडेंटिफिकेशन करोगे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक में। तो सबसे पहले टेबल बनी हुई है, की बनी हुई है। सबसे पहले अपन पूंछ देखेंगे, अगर आपको कोई स्पेसिमेन दे दिया जाए मरे हुए सांप का तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो सबसे पहले उसकी पूंछ देखेंगे। पूंछ दो प्रकार की हो सकती है, पॉइंटेड जो सिलेंड्रिकल पूंछ हो सकती है, पतली होती है जो अधिकांश सांपों की होती है। तो ये लैंड स्नैक होंगे, ये पॉइजनस भी हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। और अगर फ्लैट टेल है, चप्पू जैसी टेल है, चपटी है, फ्लैटेंड है, फ्लैट और लेटरली कंप्रेस टेल है तो ये समुद्री सांप होंगे और ये हमेशा पॉइजनस होगा, और ये होगा हाइड्रोफिश पॉइजनस स्नैक। तो ये खत्म हो गया। चपटी स्नैक जो पूंछ होती है वो स्नैक वापस उनकी, अगर वो होने के बाद देखेंगे अपन वेंट्रल स्केल, सांप को उल्टा डालेंगे और वेंट्रल या बेली स्केल देखेंगे। बेली स्केल के अंदर तीन कंडीशन हो सकती है। एक तो छोटे छोटे बेली स्केल होते हैं जो पूरी बॉडी के ऊपर कवर होते हैं, छोटे छोटे स्केल्स होते हैं तो ये नॉन पॉइजनस होगा। छोटे छोटे होते हैं और बीच में शील्ड होती है, लेकिन ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली हुई नहीं होती है, शील्ड छोटी होती है तो भी ये नॉन पॉइजनस होगा। जनरली ऐसी कंडीशन पाइथन या अजगर में पाई जाती है। तीसरी कंडीशन हो सकती है, ये जो शील्ड होती है ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली हुई,
सांप को उल्टा डालते देखेंगे, अधिकांश सांपों में ऐसे होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली हुई शील्ड होती है, ब्रॉड कवरिंग द एंटायर विड्थ ऑफ बेली। तो ये कंडीशन होती है तो स्नेक पॉइजनस भी हो सकता है, नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। ये तो कंफर्म है नॉन पॉइजनस है। तो अपन यहाँ टेबल बनाएंगे, इसमें लिखते भी जाएंगे क्या देख रहे हैं और डायग्राम भी बनाते जाएंगे। तीसरी कंडीशन है, इसके बाद इसका हेड देखेंगे। अगर हेड ट्रायंगुलर है और इस पर पिट नहीं पाया जाता है, ट्रायंगुलर हेड पाया जा रहा है, तो ये वाइपर होगा। अगर स्केल्स हेड के ऊपर छोटे छोटे हैं और एक लोरियल पिट है जो इंफ्रारेड डिटेक्टिंग ऑर्गन है, इसको अंधेरे में इंफ्रारेड ने डिटेक्टिंग ऑर्गन होता है, तो ये पिट वाइपर होगा और ये दोनों पॉइजनस स्नेक्स की विशेषता होगी सिर देखने पर। अगर सिर जो होता है लार्ज शील्ड ऑन हेड, बड़ी बड़ी हेड के ऊपर शील्ड पाई जा रही है, तो ये पॉइजनस भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। तो वापस इसको आगे फर्दर देखेंगे, चौथी कंडीशन। उसके बाद अपन देखेंगे जो स्केल्स, इनके हेड स्केल्स देखेंगे या जो स्केल्स देखेंगे। ये कंडीशन हो सकती है साथियों की एक कंडीशन के अंदर थर्ड इंफ्रा सुप्रा लेबियल जो शील्ड होती है वो लार्जेस्ट होती है और इट टच द आई एंड नोज शील्ड, आंख और नोज शील्ड के यहाँ टच कर रही है थर्ड वाली। अगर ये बड़ी है तो ये 100% पॉइजनस स्नेक है और ये कोबरा होगा, इसको ओरल हुड भी पाया जाएगा। और अगर छोटी छोटी शील्ड है चारों तो ये नॉन पॉइजनस कंडीशन होगी। उसके अलावा नेक विदाउट ओरल हुड है और कोरल स्पॉट है तो ये कोरल स्नेक होगा जो पॉइजनस होता है समुद्र के अंदर। उसके बाद इनके वर्टिब्रल्स देखेंगे, स्केल्स ऑन मिडल ऑफ द बैक आर इनलार्ज और हेक्सागोनल स्केल्स है तो ये करेट होगा। और फोर्थ इंफ्रा लेबियल इज लार्जेस्ट, चौथा जो है इंफ्रा लेबियल सबसे बड़ा शील्ड पाई जा रही है तो ये पॉइजनस स्नेक होगा और ये करेट होगा। तो चार टेबल के द्वारा अपन देखेंगे, ये आपको सबको याद होनी चाहिए टेबल विद डायग्राम, और लिखना भी है और डायग्राम भी बनाना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। इस टेबल में सारा कुछ आ गया जो अभी बोला था। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, पूंछ देख रहे हैं, पॉइंटेड सिलेंड्रिकल है तो ये लैंड स्नेक होगा, पॉइजनस हो सकता है, नॉन पॉइजनस हो सकता है, फ्लैट लेटरली कंप्रेस्ड है तो मैरान स्नेक है, हाइड्रोफिश पॉइजनस होगा। इसको वापस देखेंगे, वेंट्रल स्केल्स देखेंगे छोटे छोटे तो ये कौन कौन होगा, पाइथन होगा, नॉन पॉइजनस होगा। छोटी शील्ड है एक्सटेंड नहीं हो रही है तो भी नॉन पॉइजनस होगा, बड़ी शील्ड है जो एक्सटेंड होती है, डायग्राम बनाना है, लार्ज शील्ड पाई जा रही है तो ये पॉइजनस भी हो सकता है, नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। इसको वापस और हेड, उसके बाद हेड देखेंगे, ट्रायंगुलर हेड होता है, स्मॉल स्केल्स ऑन हेड तो वाइपर है। अगर एक लोरियल पिट पाया जा रहा है आई और इसके पास तो ये पिट वाइपर है, ये भी पॉइजनस है, और लार्ज शील्ड है तो पॉइजनस भी हो सकता है, नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। अगर ये थर्ड सुप्रा लेबियल जो है लार्जेस्ट है जो आंख और इसको टच कर रहा है तो ये कोबरा है और पॉइजनस है, और छोटे छोटे हेक्सागोनल स्केल्स पाई जा रही तो भी पॉइजनस है, ये करेक्ट है। थर्ड इंफ्रा लेबियल लार्जेस्ट होकर हुआ है तो ये फोर्थ इंफ्रा लेबियल लार्जेस्ट है तो ये बाय पॉइजनस नहीं होगा। तो ये टेबल में सारा कुछ आ गया, सबको ये टेबल रटी हुई होनी चाहिए, कोई टफ नहीं है। टेल देखी, वेंट्रल स्केल देखे, हेड देखा और बेली स्केल्स देखे। अब पॉइजनस स्नेक कौन कौन से होते हैं, कुछ पॉइजनस स्नेक्स के बारे में देखते हैं। कुछ पॉइजनस स्नेक होते हैं जिसमें करेट, कोबरा और वाइपर सबसे ज्यादा कॉमन पाए जाते हैं। करेट जो होता है इसको बंगारस भी कहते हैं, जिसमें बैंड पाए जाते हैं, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, पतली होती है, स्केल स्मूथ होते हैं, हेड नॉट डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द बॉडी, बहुत छोटा होता है, नॉर्मल शील्ड होती है, कॉज मोर डेथ एज कम्पेयर टू अदर्स में, सबसे ज्यादा घातक होता है करेट, और सबसे ज्यादा इसको गर्मी चाहिए, ऐसा कहा जाता है कि ये ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है और ये आपके पास आप सो रहे होते हैं, आपके पास आकर सो जाता है, रुक जाता है और जैसे आप करवट लेते हैं तो काटता है, यानी इसको हीट चाहिए। बैकबोन रिंच हेक्सागोनल इनलार्ज स्केल्स होते हैं। थर्ड और फोर्थ रा सुपर लेवल टचिंग द आईज लार्जेस्ट होती है, कार्निवोरस होता है, चूहों को चिपकलियों को मेंढक को खाता है। इसका विनम जो है न्यूरोटॉक्सिक होता है, आगे देखेंगे दो प्रकार का होता है न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। तो करेट का जो विनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, इसका असर तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है और ओविपेरस होता है, अंडे देता है। कोबरा सबसे कॉमन, कोबरा जिसको अपन नाग कहते हैं, नाजा और एक इसी की स्पीसीज होती है नाजा बंगारस जो किंग कोबरा कहलाता है। तो कोबरा जो होता है ये भारत में ये भी पाया जाता है, ब्लैक जनरली डार्क ब्राउन या ब्लैकिश कलर का होता है,
फॉरर रूट इसकी पहचान है, डायरनल होता है, शाही जाते शर्मिला होता है और ज्यादातर सर्विस या होल के अंदर पाया जाता है। ये भी फ्रॉग क्रेट और लिजार्ड और अदर स्नेक्स को खाता है। नेक डिस्टर्बेबल सर्विकल रिब्स इलोंगेटेड, जिससे इसका फूड एक्सपांशन हो जाता है। इसके ऊपर एक चश्मे के आकार का मार्क पाया जाता है, स्पेक्टिकल मार्क, जो इसकी पहचान है, और सिंगल मार्क भी हो सकता है और मार्क नहीं भी हो सकता है राजस्थान के स्नेक्स में। थर्ड सुप्रालेबियल टचेज डाइस, फेंज आर स्मॉल और नॉन मूवेबल होते हैं, छोटे होते हैं। इसका भी विनम न्यूरोटॉक्सिक होता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉइजनस स्नेक है, सबसे बड़ा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। और क्विक डेथ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है, इसके नाम से जो होता है कोबरा, इसके नाम का डिसेक्शन करें, को का मतलब CO, स्पाइनल कॉर्ड, BRA, ब्रा का मतलब होता है ब्रेन, इसका जो असर होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर पड़ता है, जिससे सांस जो एस्पेक्शिया हो जाता है, सांस रुक जाता है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ये भी विपेरस होता है। सांप काटता क्यों है, ये मैकेनिज्म है, जैसे सांप को छेड़ा जाता है बॉडी अपनी उठाएगा, अपना हुड उठाएगा का ये जो कोबरा होता है वो, और ये अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करेगा, पॉइजनस ग्लैंड से विनम ये निकलेंगे, फेंज निकलेंगे और पॉइजनस ग्लैंड से पॉइजन निकलकर पॉइजन डक्ट के द्वारा किसी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा है पॉइजनस स्नेक वाइपर। वाइपर जो होता है ये कॉमन स्नेक है, जो इंडिया में पाया जाता है, जनरली झाड़ी वाले स्थानों पर यहाँ पाया जाता है। ये भी रेड चूहों पक्षियों के अंडों को खाता है। दो प्रकार के वाइपर होते हैं, पिटलेस वाइपर या रसल वाइपर कहते हैं, और पिट वाइपर जो हिमालयन वाइपर होते हैं। शरीर के ऊपर छोटे छोटे चट्टे होते हैं, इस पर टेल ब्राउन होता है, हल्के पीले कलर का टेल छोटी होती है, रात्रिचर होता है और वीवी पेरस होता है ये भी। और इसका जो विनम होता है ये हीमोटॉक्सिक होगा, हीमोटॉक्सिक होगा। हेड लार्ज हेड होता है, फ्लैट होता है, स्केल्स छोटे छोटे होते हैं, ट्राइंगुलर हेड होता है, पहले देख चुके हैं, सेंसिलरी पिक पाया जाता है, लॉन्ग मूवेबल फेंज होते हैं, रिमेन कॉयल वेन डिस्टर्ब्ड चारों तरफ घोड़ा बना लेता है, स्ट्राइक इंजेक्ट विनम, और विनम इसका हीमोटॉक्सिक होगा। नॉन पॉइजनस स्नेक्स में दो देखेंगे, रेड स्नेक या जिसको धामन कहते हैं, बहुत कॉमन स्नेक है ये, बहुत बड़ा भी होता है लेकिन नॉन पॉइजनस होता है, चूहों को खाता है इसीलिए इसको रेड स्नेक कहते हैं। दूसरा है पाइथन जो अजगर है। रेड स्नेक या धामन जो होता है ये जनरली चूहों को खाता है, खेतों में पाया जाता है, बिलों के अंदर, हाई लार्ज होती है और बहुत फास्ट होता है ये, लंबी पूंछ होती है, एग्रेसिव होता है, एक्टिव होता है, काफी एक्टिव होता है, एग्रेसिव होता है, लेकिन ये पॉइजनस नहीं होता है। फीड ऑन रेट और स्नेक्स, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, क्योंकि चूहों को खाता है ये, वी पेरस होता है ये भी, पेड़ों पर भी चढ़ सकता है। पाइथन जो होता है अजगर, सबसे बड़ा होता है, काफी भारी होता है, लेकिन नॉन पॉइजनस होता है, ये कार्निवोरस होता है, यहाँ तक कि छोटे मोटे बच्चों को, गाय के और हिरण के बच्चों को खा सकता है ये, निगल सकता है, ओविपेरस होता है, अंडे देता है। अब आता है क्वेश्चन, ये तो थे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस ने, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज पॉइजनस अपैरेटस, विषैले सर्पों में पॉइजन अपैरेटस क्या होता है उनका वर्णन करो और बाइटिंग मैकेनिज्म को समझाइए। तो पॉइजन अपैरेटस जो होता है ये विषैले स्नेक्स में पाया जाएगा। पॉइजन अपैरेटस जो होता है ये चार भागों से मिलकर बना होता है, एक जोड़ी पॉइजन ग्लैंड होती है जिसमें जहर बनता है, पॉइजन डक्ट होती है जिनके द्वारा जहर आता है, एक पेयर ऑफ फेंज होते हैं जिसको विष दंत कहते हैं, दो होते हैं, और मसल्स होती है जिनके द्वारा स्ट्राइक करता है। ये चार पार्ट होते हैं, ये पॉइजन ग्लैंड है, पॉइजन डक्ट है और फेंज है और मसल्स, ये इसको कवर कर रही है। तो ये डायग्राम आपको बनाना होगा साथियों, जिसके अंदर ये स्नेक के पॉइजन अपैरेटस दिखा हुआ गया हो। चार पार्ट होंगे पॉइजन ग्लैंड। पॉइजन ग्लैंड कोई भी अलग ग्लैंड नहीं है, जिस प्रकार की अपने अंदर सेलेवरी ग्लैंड है, ये स्नेक के अंदर मॉडिफाइड ग्लैंड होती है, पैरोटिक ग्लैंड, मॉडिफाइड पैरोटिक ग्लैंड होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, इनकी सेलेवरी ग्लैंड ही होती है। ये पॉइजन जो होता है ये एक प्रकार का सलाइवा ही है, इसको अपन निगल सकते हैं तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन ये ब्लड में मिक्स होने के बाद घातक होता है। तो इस इनकैप्सुलेटेड विद फाइबर कनेक्टिव टिश्यू पैरोटिड ग्लैंड होती है। दूसरा है पॉइजन डक्ट, इन ग्लैंड से दोनों ग्लैंड से एक एक पॉइजन डक्ट निकलती है जो विष दंत तक जाती है।
विष दंत जो होते हैं शार्प और पॉइंटेड होते हैं, मैक्सिलरी बोन से जुड़े होते हैं, फोल्डेबल होते हैं, लॉन्ग होते हैं, कर्व्ड होते हैं और एक्ट एज हाइपोडर्मिक सिरिंज, हाइपोडर्मिक इंजेक्शन, जैसे अपने हाइपोडर्मिक सुई होती है वैसे ये त्वचा के अंदर चुप जाते हैं और इनसे वीनम अंदर इंजेक्ट हो जाता है। फैन जो होते हैं ये भी तीन प्रकार का होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तीन प्रकार के सोलेनोग्लाइफस जो होते हैं फैंच, ये किन में पाए जाते हैं? वाइपर और रेटल स्नेक जो होता है उनमें सोलेनोग्लाइफस होंगे, इनका फ्रंट ऑफ मैक्सिला होलो होगा। प्रोटेरोग्राइफस जो होते हैं छोटे होते हैं, फ्रंट ऑफ मैक्सिला परमानेंटली इरेक्ट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल करेट और कोबरा और कोरल स्नेक्स के प्रोटेरोग्लाइफस टाइप के होंगे, वाइपर का सोलेनोग्लाइफस, कोबरा का प्रोटेरोग्लाइफस और ओपिस्टोग्लाइफस जो होते हैं बैक ऑफ मैक्सिला पीछे की तरफ होंगे, पोस्टीरियर में होते हैं और ये जनरली कुछ सी स्नेक्स के अंदर होता है। अब मसल्स आती है, मसल जो होती है डायगेस्ट्रिक मसल्स होती है जो इसके कपाल से लोअर जॉ की तरफ जुड़ी रहती है और ये दो प्रकार की, एक तो डायगेस्ट्रिक एक प्रोटेक्टर प्रकार की और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरलिस मसल्स होती है जो बाइटिंग मैकेनिज्म के अंदर काम आती है और क्विकली ये मुंह को बंद करने में काम आती है। बाइटिंग मैकेनिज्म, बाइटिंग मैकेनिज्म को पॉइंट वाइज लिखेंगे, चार्ट के रूप में लिखेंगे। बाइटिंग मैकेनिज्म कैसे होती है? सबसे पहले ओपनिंग ऑफ माउथ, सबसे पहले डायगेस्ट्रिक मसल्स में कॉन्ट्रक्शन होता है, लोअर मैंडिबल नीचे की तरफ झुकेगा, लोअर एंड ऑफ क्वाड्रेट थ्रस्ट फॉरवर्ड आगे की तरफ जाएगा लोअर क्वाड्रेट, उसके बाद इसे माउथ खुलेगा, फिर रोटेशन ऑफ मैक्सिला, मैक्सिला रोटेट करेगा, लोअर जॉ मूव्स फॉरवर्ड, रोटेशन ऑफ स्क्वामोजल क्वाड्रेट और मैंडिबल्स, ये जबड़े की हड्डियां हैं, स्पिंग्नोगडॉइड मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ टेरिगॉइड, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्टोपेटेरिगॉइड, कॉज फैंस टू इरेक्ट एट 90 डिग्री, सिर ऊपर की तरफ होता है 90 डिग्री पर फैंस बाहर खुल जाएंगे और फैंस इरेक्ट हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन ट्रांसफर ऑफ वीनम, कॉन्ट्रक्शन ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल्स, पोस्टीरियर लिगामेंट रिलैक्स ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ स्क्वामोजल कॉन्ट्रैक्टर मसल्स स्ट्रेच हो जाएगी और जो विष दंत होते हैं स्क्वीज वाल ऑफ पॉइजनस ग्लैंड, फैंज अपनी त्वचा में चुप जाता है और पॉइजन ग्लैंड को दबा दिया जाता है ताकि उनका जहर जो होता है वो पॉइजन ग्लैंड के द्वारा विष दंत के द्वारा अपनी त्वचा में आ जाए और ये क्रिया बहुत ही अल्प समय में होती है, बहुत कम सेकंडों के अंदर, विद इन सेकंड्स होती है और क्लोजिंग ऑफ माउथ, उसके बाद मुंह बंद कर लिया जाता है जैसे काटते हैं। कॉन्ट्रक्शन ऑफ टेम्पोरलिस, स्पिनो टेरिबर्ड मसल्स, फैंज इम्बेडेड इन प्रे इज ड्रॉन बैक, वेंट्रिकल्स फैंज रोटेट टू बिकम हॉरिजॉन्टल, माउथ क्लोज हो जाएगा और सारा जहर इसमें आ जाएगा। अब आते हैं वीनम, वीनम जो होता है अभी आपको बताया कि वीनम जो होता है ये पॉइजन ग्लैंड का सिक्रेशन होता है और पॉइजनस ग्लैंड जो होती है वो इसकी क्या ग्लैंड होती है, ये सलाइवरी ग्लैंड होती है, इसको अपन स्टोर कर सकते हैं। स्टिकी फैंट येलो कलर का होता है, टेस्टलेस होता है, ऑडरलेस होता है, एसिडिक होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स, इट इज गुड एंजाइम जूस, डाइजेस्टिव जूस होता है और इसमें कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, कैन बी ड्राइड और स्टोर, इसको सुखा कर अपन रख सकते हैं, पानी में डिजोल्व कर सकते हैं। पॉइजन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक अभी बताया था कोबरा करेट और जो सी स्नेक होते हैं उनका न्यूरोटॉक्सिन होता है, वाइपर का जो है हीमोटॉक्सिन होता है। इट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पेशली द मोटर नर्व्स एंड द कॉजेज कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी फेल्योर, इट इज प्रेजेंट इन द पॉइजन ऑफ कोबरा करेट और सी स्नेक्स होता है। हीमोटॉक्सिक क्या करेगा? इंटरनल ब्लीडिंग करेगा। इट इंक्लूड्स कार्डियोटॉक्सिन एंड हीमोरेजिन्स, इट इज प्रेजेंट इन द वाइपर, ये इससे अपने इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है और शरीर नीला पड़ जाएगा और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। कॉमर्शियल ऑफ यूज ऑफ वीनम, जो वीनम होता है इसका कॉमर्शियल यूज होता है, इसीलिए सांपों को पकड़ा जाता है, जहरीले सांपों को, और उनका स्नेक ये निकाला जाता है। एक्सक्लूसिवली ब्लीडिंग क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन होता है इसमें, इसमें काम आता है। स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है जो जिसमें यूज करते हैं, बहुत सारी दवाइयों के ऊपर स्नेक का यूज करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज में, कैंसर के ट्रीटमेंट, ब्रेस्ट कैंसर में भी स्नेक वीनम का यूज होता है, और कुछ ऐसा नशे के लिए भी कुछ जो मेट्रोज के अंदर होता है ये इसको सांपों को कटवाया जाता है, हल्का सा जहर पिया जाता है या कटवाया जाता है या इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाता है।
कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम अपने सलाइवा में होते हैं, प्रोटीएज जो प्रोटीन का करता है, फॉस्फोलाइपेज जो फॉस्फोलिपिड को करता है, कोलिनोएस्टरेज जो कोलिनर्जेनिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, हाई ओलिगोनिडेज होता है, और न्यूक्लियस, ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जो स्नेक वीनम में पाए जाते हैं। थैंक यू। इस प्रकार अपन ने पूरा स्नेक्स के पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स, बाइटिंग मैकेनिज्म और पॉइजन अपैरेटस, पॉइजन के प्रकार देखे। धन्यवाद।